नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। मानसिक रूप से तनावग्रस्त युवक ने पुल से लगाई छलांग, युवक की हुई मौत। सैदपुर थाना अंतर्गत रामकरण सेतु गंगा पुल पर स्कूटी खड़ी कर युवक ने लगाई छलांग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी नंबर से लगाया पता, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव की खोज में जुटे पुलिस और परिजन। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदौली जनपद के बलुआ थाना अंतर्गत पलिया गांव निवासी कन्हैया यादव पुत्र स्वर्गीय रामगति यादव 35 वर्ष सैदपुर थाना अंतर्गत चंदौली जिले से जोड़ने वाले रामकरण सेतु पुल पर शनिवार के दिन दोपहर लगभग 11:30 पर स्कूटी बाइक लेकर पहुंचा। यहां गंगा पुल की रेलिंग के पास अपनी स्कूटी बाइक खड़ी कर वह किसी से मोबाइल पर बात करने लगा। बात करते करते अचानक युवक कन्हैया मोबाइल के साथ ही गंगा नदी में छलांग लगा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद राहगीरों ने जब तक शोर मचाया, कन्हैया गंगा के गहराई में समा चुका था। इसके बाद राहगीरों द्वारा तत्काल घटना की सूचना सैदपुर कोतवाली को दिया गया। सूचना पर पहुंची सैदपुर पुलिस ने युवक की स्कूटी नंबर से उसकी पहचान कर घटना की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों और पुलिस के सहयोग से नदी में छलांग लगाए युवक की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। वही सूचना पाकर थोड़ी ही देर में मौके पर कन्हैया की मां कलावती देवी व पत्नी संगीता आदि परिजन और ग्रामीण भी पहुंच गए। चीख पुकार के बीच रोड पर रोती हुई कन्हैया की मां कलावती और पत्नी संगीता भी नदी में छलांग लगाने को दौड़ पड़ी। वहां पर मौजूद लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा सैदपुर कोतवाली पहुँचाया गया, जिसके बाद परिजनों ने बताया कि तीन भाइयों रामबली और श्यामबली में कन्हैया सबसे बड़ा भाई था। वह मुंबई में रहकर काम करता था। 3 दिन पहले ही वह मुंबई से घर आया हुआ था। कन्हैया अपने पीछे अपनी 3 पुत्रियों को छोड़ गया है। बेटे की चाहत में वह अपने भाई के पुत्र को गोद लेकर पाल पोस रहा था। जब से वह मुंबई से घर लौटा था, तब से वह बीमार और मानसिक रूप से तनाव से ग्रस्त था, जिसके कारण उसने गंगा पुल से कूदकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। परिजन और पुलिस की मदद से नदी में कन्हैया के शव की खोजबीन की जा रही है। देखिए यूपी गाजीपुर से संवाददाता रिजवान अंसारी की यह खास रिपोर्ट, और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद।